दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 महीने गुजर जाने के बाद भी सुशांत केस में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में हाल ही में एक याचिका दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से सुशांत केस की क्लोजर रिपोर्ट मांगे। तब बताया जा रहा था कि नवंबर या दिसंबर तक सीबीआई सुशांत केस की क्लोजर रिपोर्ट सौंप देगी, मगर एक बार फिर खबर आ रही है कि ये क्लोजर रिपोर्ट अगले साल जनवरी तक ही आ पाएगी। इसकी वजह पूछने पर सीबीआई की तरफ से बयान आया है कि सुशांत केस में कई पहलू ऐसे हैं जिन पर जांच होना अभी बाकी है, जिसके लिए उन्हें समय चाहिए और इसीलिए ही सुशांत की क्लोजर रिपोर्ट जनवरी से पहले देना मुश्किल है। सुशांत केस में हो रही देरी की वजह कहीं न कहीं रिया भी है। दोस्तों, कैसे, हम आपको बताते हैं। अगर आपको याद हो तो एनसीबी की तरफ से गिरफ्तारी होने से एक दिन पहले ये चुड़ैल सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जिसमें कहा गया था कि प्रियंका की तरफ से सुशांत को ऐसी दवाइयां दी गई जो ड्रग लॉ के खिलाफ हैं और जो उसकी सेहत के लिए खराब हो सकती थी, और इन्हीं दवाइयों की वजह से सुशांत की जान चली गई। तो अब सीबीआई को रिया के दिए गए इस एंगल पर भी जांच करनी पड़ेगी और इसीलिए ही सीबीआई को इतना वक्त लग रहा है। तो कहीं न कहीं सुशांत केस में हो रही देरी की वजह खुद रिया भी है। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई किन तथ्यों पर काम करती है और क्या कुछ सच बाहर निकाल कर लाती है और सुशांत के साथ इंसाफ कर पाती है या नहीं। हम दुआ तो यही करते हैं कि सुशांत के साथ इंसाफ जरूर हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।